एंड वेलकम दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 6, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। देखिए, इससे पहले हम अध्याय नंबर 5 पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 6, जिसके हम नेम क्या है। देखिए, किसी भी अध्याय का नाम से बहुत चीज़ें सीख सकते हैं हम। जैसे प्राकृतिक वनस्पति, मतलब जो नेचर, प्रकृति, प्रकृति ने हमें क्या क्या वनस्पतियाँ दी है, किस किस तरह के पेड़ पौधे हैं, औषधि, ये सब चीज़ें दी है। एवं वन्य जीवन, मतलब वहाँ के जो वन, मतलब जंगल में रहने वाले, रहने कैसा जीवन रहता है, जो जो लोग जंगल में रहते हैं वे किस तरह से रहते हैं, उनका जीवन किस तरह का रहता है, उन्हें क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ती है। तो इस तरह से प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन, वन्य में रहने वाले लोगों के जीवन के बारे में पढ़े हैं, किस तरह से वो रहते हैं, क्या क्या परेशानियाँ होती है, इन सब के बारे में। देखिए, उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं। सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी। मतलब ग्रीष्म शिविर का मतलब वे अपने सहपाठियों के साथ एक शिविर पर जा रही थी। अपने सहपाठियों के साथ वे हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई। मनाली का नाम आपने सुना ही होगा, बहुत विश्व प्रसिद्ध है हमारे देश की। तो वहाँ पे क्या एक टूर लगा उसके स्कूल से, तो कहाँ गई, मनाली गई। उसे सब स्मरण था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी, तो वह स्थलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर कितनी हैरान रह जाती है। गिरिपाद में स्थित साल एवं सागवान के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए। पर्वत की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों से शंखवाकार विदान लंबे वृक्ष दिखने लगे। मतलब वो जो पेड़ पौधे थे बदलते हुए दिखाई दिए, यहाँ पे अलग, फिर थोड़े ऊपर गई, वहाँ पे अलग हो गए, इस तरह से। उसे पता चला कि शंकुधारी वृक्ष थे, लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। वे रोडोडेंड्रॉन के फूल थे। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों से बर्फ पर ढकी हुई है। मतलब जैसे यहाँ पे थी वो, तो यहाँ पर उसने अलग पेड़ पौधे देखे। जैसे फिर वो थोड़े और ऊपर आई, यहाँ पे अलग तरह की वनस्पति देखी। जैसे ही सबसे ऊपर पहुँची, यहाँ पे उसने और कुछ देखा। तो उस तरह से बिचार आया कि यहाँ पे अलग क्यों है, यहाँ पे अलग क्यों है, इस तरह से, मतलब अलग अलग चीज़ें क्यों हैं, यहाँ सब जगह एक से ही क्यों वनस्पतियाँ नहीं हैं, अलग अलग क्यों है, ऐसा उसके विचार आया। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं, वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है। ठीक, विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है। जलवायु में परिवर्तन होता है, इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव आता है। मतलब जलवायु से जल, वहाँ के जल में परिवर्तन, वायु परिवर्तन जैसे होता है, जैसे किसी किसी पेड़ पौधों को कम जल मिलता है, किसी किसी को ज़्यादा जल मिलता है, तो इस तरह से उनमें परिवर्तन होता रहता है। इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव होता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। तापमान यानी सूर्य के प्रकाश पर और जल, उसे कितनी मात्रा में मिल रहा है, कितनी मात्रा में सूर्य मिल का प्रकाश मिल रहा है या जल की मात्रा मिल रही है, तो वनस्पति उस पर निर्भर करती है। इसके अलावा ये ढाल या मिट्टी की परत की मोटाई पर निर्भर करती है कि कौन सी मिट्टी में ये वनस्पति उग रही है, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण होती है। देखिए, वन, वन के बारे में पढ़ लेते हैं हम। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वन, इस सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं वन के बारे में। देखिए, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, इन कारकों के आसपास सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। घासतल वन, जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं उसे घासतल कहते हैं। जहाँ पे मध्यम वर्षा होती है, न ज़्यादा वर्षा न कम वर्षा, तो वो घासतल होते हैं। ठीक, कांटेदार झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ियों में कम वर्षा होती है। ठीक, अब वन के बारे में पढ़ लेते हैं, वन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। यहाँ पर पूरे वर्ष लगातार बारिश होती रहती है। यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती,
इसलिए सदाबहार वन कहलाते हैं। यहाँ साल भर बारिश होती है। ठीक, इसमें कौन कौन से पेड़ आते हैं? रोजवुड का, आबूनस का, महोगनी, इस तरह के वृक्ष पाए जाते हैं। अब दूसरा पढ़ लेते हैं, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। देखिए इन्हें वन मानसूनी वन भी कहते हैं, इन्हें उष्ण कटिबंध पर्णपाती वन को, जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते हैं। जल संरक्षण रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष साल, सागवान, नीम, शीशम, इस तरह के होते हैं। और इन प्रदेशों में बाघ, शेर, हाथी, लंगूर, इस तरह के जानवर पाए जाते हैं। मतलब यहाँ जैसे बरसात के मौसम में पेड़ पौधे हरे भरे रहेंगे, लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम आएगा पत्तियाँ झड़ जाएंगी। तो इसलिए ये मौसमी वन होते हैं। मौसम के समय ये फलते हैं, फूलते हैं, और जैसे ही मौसम चला जाता है ये इनकी पत्तियाँ नीचे गिर जाती हैं। ठीक, अब शीतोष्ण सदाबहार वन क्या होते हैं? शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। देखिए दक्षिण पूर्व अमेरिका, चीन, दक्षिण पूर्व ब्राजील यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ बाज, चीड़, यूकलिप्टस, इस तरह के जानवर पाए जाते हैं। अब शीतोष्ण पर्णपाती वन, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? अमेरिका में, चीन में, न्यूजीलैंड में, पश्चिमी यूरोप, इनके तटीय प्रदेश पाए जाते हैं, तट वाले क्षेत्रों में। ये अपनी पत्तियाँ शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं बांस, एस, बीज आदि। और यहाँ किस तरह के जानवर पाए जाते हैं? हिरन, लोमड़ी, भेड़िए, यहाँ ये जानवर पाए जाते हैं। इसके बाद आप पढ़ लेते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति। देखिए महाद्वीप के पूर्व और उत्तर पूर्वी किनारों का अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार और पर्णपाती क्षेत्र से ढके हुए हैं। महाद्वीप के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। देखिए दक्षिण पश्चिम का मतलब क्या? ये तो पश्चिम साइड है। ठीक, ये भूमध्य सागरीय प्रदेश पाए जाते हैं। अब पढ़ लेते हैं शंकुधारी वन क्या होते हैं। ठीक, कौन से वन? शंकुधारी वन। ये उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों से भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टेका भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? शंकुधारी वन का टेका। ये वन अधिक ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान तथा अखबारी कागज बनाने में काम आता है। तो इसके पेड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक, इनका यहाँ चीड़, देवदार इनके प्रमुख पेड़ हैं। रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू, इस तरह के जानवर इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक, घास स्थल के बारे में पढ़ लेते हैं। उष्ण कटिबंधीय घास स्थल, ये वन भूमध्य रेखा की किसी भी तरफ उग जाते हैं। ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पाए जाते हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्र में पैदा होती है, मतलब बहुत कम वर्षा होती है। ये घास काफी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। ठीक, यहाँ किस तरह के जानवर पाए जाते हैं? हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ, इस तरह के जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। अब शीतोष्ण घास स्थल, ये मध्य अक्षांश क्षेत्रों में और महाद्वीप के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी और पौष्टिक होती है, हरी भरी घास होती है, पौष्टिक। शीतोष्ण प्रदेशों में जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप, इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। जानवर कटीली झाड़ियाँ, शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में ये चीज़ पाई जाती है। उष्ण कटिबंध रेगिस्तान महाद्वीप के पश्चिमी किनारे, तीव्र गर्मी, बहुत कम वर्षा, मतलब जहाँ पे बहुत तेज गर्मी हो, कम वर्षा हो, पानी कम मात्रा हो, वहाँ पे ये चीज़ें कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। ठीक, और यहाँ किस तरह के जानवर पाए जाते हैं? देखिए यहाँ पे ध्रुवीय भालू, बर्फीली लोमड़ी, सील, बायरस, कस्तूरी बैल, इस तरह के जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। यदि आप किसी प्रकार कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट मेंशन कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।